उम्मीद करता हूँ कि आप सब पहले से बहुत ही अच्छे होंगे और स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल WT हिंदी पर। भाई आजकल के समय में खुश कौन नहीं रहना चाहता, हम सभी लोग तो अपनी अपनी खुशियों के लिए तो जीते हैं, मगर आप सब तो जानते ही हैं कि हमारे चारों ओर कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिनकी वजह से हम सब खुश नहीं रह पाते। लेकिन दोस्तों हमारी इस दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जहां के लोग हमेशा किसी न किसी बहाने से खुश रहते हैं और भाई खुशियां तो मानो उनके चारों ओर किसी न किसी बहाने से मंडराती ही रहती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे खुशहाल देशों की जहां पर जन्म सिर्फ किस्मत वालों का ही होता है, ऐसे देश जहां पर मानो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट ही होता है और इन देशों में रहने वाले लोग सबसे सफल होने के साथ ही साथ सबसे हेल्दी लाइफ स्टाइल भी जीते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आज के एक बेहद ही शानदार सफर पर, नॉर्वे। दोस्तों नॉर्वे देश दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में पहले नंबर पर आता है और इस देश की शिक्षा व्यवस्था से लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था तक सब कुछ टॉप क्लास का है और इसके साथ ही साथ इस देश में बेरोजगारी भी बिल्कुल ना के बराबर है। दोस्तों नॉर्वे को वैसे भी सबसे अमीर देशों में माना जाता है और यहाँ के लोगों को किसी भी तरह की कोई भी चिंता नहीं रहती, क्योंकि दोस्तों यहाँ की गवर्नमेंट ने बेहद ही अच्छी तरीके से यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं और गवर्नमेंट के साथ ही साथ यहाँ के लोग भी इसमें सहयोग देते हैं। दोस्तों इस देश में प्रदूषण की कोई भी जगह नहीं है, तो यही कारण है कि नॉर्वे की लाइफ स्टाइल बहुत ही अच्छी है और इसके साथ ही साथ इस देश के लोगों को किताबें पढ़ने का बहुत ही अच्छा शौक है, जिसकी वजह से कुछ न कुछ नया जरूर सीखते रहते हैं। और भैया आप सब तो जानते ही हैं कि जब कोई इंसान कुछ न कुछ हर दिन नया सीखता है तो वह हमेशा आगे ही बढ़ता है। तो दोस्तों हम भी आपसे यही उम्मीद रखेंगे कि आप हमेशा खुश रहें और कुछ न कुछ नया सीखते रहें। न्यूजीलैंड। दोस्तों न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जहाँ की आबादी ही इस देश की सबसे बड़ी ताकत है, मतलब कि लैंड के मामले में यह देश तो भाई बहुत ही बड़ा है, पर जब बात आती है आबादी की तो यहाँ की आबादी लगभग 52 लाख के आसपास है और इस देश में लोगों के पास खुश रहने के बहुत से कारण है, जैसे कि यहाँ पर हर एक व्यक्ति के पास कोई न कोई रोजगार है और जिसके पास यहाँ पर कोई भी रोजगार नहीं है तो वह व्यक्ति पशुपालन का कार्य करके अपना खर्चा आसानी से निकाल लेता है। लेकिन भैया हम आप तो इस बारे में सोच भी नहीं सकते, वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे दोस्तों न्यूजीलैंड देश एक हद से भी ज्यादा खूबसूरत देश है और इसके साथ ही साथ यहाँ के लोगों को बहुत ही शांति प्रिय माना जाता है और न्यूजीलैंड देश को सबसे सुरक्षित देशों में गिना जाता है। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर रात में कहीं से आते या जाते हैं तो आपको शायद ही कोई प्रॉब्लम होगी। दोस्तों न्यूजीलैंड देश खूबसूरती के मामले में किसी से बिल्कुल भी कम नहीं है और हर तरफ से प्राकृतिक सुंदरता को यह देश अपने अंदर बहुत ही अच्छे से समेटे हुए है। न्यूजीलैंड देश के लोग काफी ज्यादा मेहनती हैं और अपने काम के साथ हमेशा खुश रहते हैं, क्योंकि भाई इनकी तो लाइफ स्टाइल ही ऐसी है। स्वीडन। स्वीडन यूरोप का सबसे खुशहाल देश है और यहाँ के लोग सबसे ज्यादा वैल्यू अपनी फैमिली को देते हैं और दोस्तों आपको शायद ही इस बात पर यकीन हो कि यहाँ की गवर्नमेंट ने दो वर्किंग कपल को न्यूबॉर्न बेबी के जन्म पर 16 महीने की छुट्टी देती है और तो और पूरी सैलरी भी देती है। इसके साथ ही साथ यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को दुनिया के सबसे अच्छे एजुकेशन सिस्टम में गिना जाता है। स्वीडन में ना ही अपराध है और ना ही बेरोजगारी है, यहाँ पर भी हर एक व्यक्ति काफी मेहनती और अपने काम से प्यार करने वाला है, जिसके चलते यहाँ पर ना ही कोई व्यक्ति गरीब है और यहाँ पर हर एक व्यक्ति काफी खुश रहता है। इस देश में हर एक व्यक्ति अपनी नौकरी के साथ अच्छा वेतन भी पाता है, जिसकी वजह से यहाँ के सभी लोगों की जरूरतमंद वाली चीजों की पूर्ति होती रहती है। इस देश में पढ़ाई व्यवस्था से लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था तक सब कुछ गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल फ्री होता है। दोस्तों वाकई में स्वीडन एक बेहद ही खूबसूरत और खुशहाल देश है। नेक्स्ट कंट्री आइसलैंड। दोस्तों इस देश की टोटल पॉपुलेशन मात्र 4 लाख के आसपास है, पर दुनिया के खुशहाल देशों लिस्ट में यह देश शुरू से ही शामिल है और स्वीडन की तरह ही यहाँ के लोग भी आर्थिक रूप से काफी मजबूत और खुशहाल हैं और इस देश में बेरोजगारी का कोई अस्तित्व भी नहीं है। आइसलैंड की प्राकृतिक सुंदरता तो भाई देखते ही बनती है और एक बात तो आप सभी ने नोट की होगी कि जिस देश की जनसंख्या कम होती है वह देश वास्तव में खुशहाल होता है और यह देश छोटा तो जरूर है पर इससे यहाँ के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ के लोग सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं और सिर्फ हमेशा आगे ही बढ़ते रहना चाहते हैं। और दोस्तों इसके साथ ही साथ यहाँ के लोगों को फिल्में देखना बहुत ही ज्यादा पसंद है और यहाँ के लोग वीकली हॉलीडे पर कहीं न कहीं घूमने जरूर जाते हैं। और आपको यह बात जानकर शायद आश्चर्य होगा कि यहाँ की पुलिस गन नहीं रखती है, क्योंकि यहाँ पर जुर्म होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। नेक्स्ट इज स्विट्जरलैंड। तो आइए दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं धरती की जन्नत। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से हमारे देश में कश्मीर को जन्नत कहा जाता है वैसे ही स्विट्जरलैंड भी बेहद ही खूबसूरत देश है। यह देश दोस्तों खूबसूरती के मामले में बेमिसाल है, कमाल है और इसके साथ ही साथ
साथ यहाँ की हर एक व्यवस्था शानदार है। यहाँ के लोग सभी तरह के मामले में काफी आगे हैं और यहाँ के लोग मानवाधिकारों को लेकर काफी जागरूक रहते हैं। आप जब भी यहाँ पर घूमने के लिए जाएंगे तो आपको यहाँ पर हर तरफ शांति और खुशहाली नजर आएगी। गरीबी, बेरोजगारी और क्राइम जैसी समस्याएं इस देश में तो भाई बिल्कुल नजर ही नहीं आती हैं। और इस देश की प्राकृतिक सुंदरता की वजह से यहाँ पर दुनिया भर के पर्यटक हर साल लाखों की संख्या में घूमने के लिए आते हैं। तो दोस्तों ये थे दुनिया के टॉप 5 खुशहाल देश, और वाकई में यह देश तो भाई तारीफ के काबिल हैं। और अगर दोस्तों बात की जाए हमारे प्यारे भारत देश की, तो हम सब खुशहाली के मामले में 136वें नंबर पर आते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पास यह जानकारी जरूर साझा करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आने वाली ऐसी नई वीडियोस आप सबको देखने के लिए मिलती रहें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जगह के साथ।